जी प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 11th के, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो 2 मार्क्स के, 3 के, 4 के या 5 के या 6 मार्क्स के, जैसे भी आपके बोर्ड के अंदर आपके अकॉर्डिंग रहता है, मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। हम 1st to 16th चैप्टर तक सभी के बारे में बात करेंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। जैसे हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, ठीक है, इसके अंदर आपके पास कई टॉपिक्स हैं, कई क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किसी भी क्वेश्चंस का, यूनियन, इंटरसेक्शन निकालना, उनका डिफरेंस निकालना, ठीक है, मीन्स आपके पास, या उनका कंप्लीमेंट करना, ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट रहता है। या फिर आपके पास इसके अंदर से जो हमारी एक्सरसाइज है 1.6, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए यूनियन बी के बारे में बात करते हैं, कि जो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है हमारे पास, ठीक है, ऐसी 3 के लिए आपके पास, लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो आपका 2 का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर हमारा, ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमारे पास, जैसे आपको पता है रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस के चैप्टर में आपके पास वैसे काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्सरसाइज, मतलब कि अगर हम कहें, ठीक है, 2.1 और 2.2 के अंदर से भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उनमें डोमेन और रेंज के बारे में साथ में पूछ लेना, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास जो हमारे सिलेबस के अंदर रहेगा, जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपके पास ए सेट दे दिया जाए आपको, ठीक है, और बी सेट दे दिया जाए, ठीक है, और आपको ए रिलेशन बी निकालने के लिए कहा जाए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड चैप्टर आपके पास आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ठीक है, इनके अंदर अगर हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास सबसे पहले अगर फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास एल इज इक्वल टू थीटा आर का जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकेंड एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास कोई भी वैल्यू, आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, आपको साइन थीटा या कोस थीटा या कोई भी फंक्शंस, ठीक है, उसकी वैल्यू दी गई, मान लीजिए साइन थीटा 1/2 दिया गया, और आपके पास आपको बाकी टी रेशो, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए। और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस है, ठीक है, और 3.3 के जो क्वेश्चंस अगर हम बात करें कि इनमें इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपके निकलते हैं, आने को कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का। लेकिन अगर कम मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या चीज है, आपको जो रहेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास शुरू होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम कह सकते हैं कि लगभग आपके पास 12-13 तक, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके पास अगर ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, 4, 5 या 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इनके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रहेंगे आपके पास, आपके 12 या 13 से कहीं हम स्टार्ट होते हैं और आपके पास 25 नंबर तक क्वेश्चन तक, ठीक है, वहां तक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी के लिए। और इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.4 है, क्योंकि इस सेशन के लिए 2021-22 के सेशंस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, इनके लिए आपके पास ये एक्सरसाइज 3.4 आपके सिलेबस से डिलीटेड है। अदरवाइज आपके पास एंगल्स निकालना, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना, ये भी आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर आपके पास 21-22 सेशन के लिए डिलीट है, ठीक है, और लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, क्योंकि स्पेशल आपका एक प्रिंसिपल्स का ही फॉर्मूला रहता है इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है जब जनरल, अगर हम जनरल इंपॉर्टेंट की बात करें, यहाँ सिलेबस इस बार हमारे से चैप्टर से डिलीटेड है तो उस कारण नहीं आएगा। इनमें आपके पास 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 इस टाइप का क्वेश्चन का रिलेशन बनाना, 1² 2² 3² इस टाइप के क्वेश्चन के रिलेशन बनाना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ चैप्टर में आपके पास, ठीक है, आपके पास 2 − 3 की पावर, मान लीजिए कोई पावर दे दिया गया, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, इसका मल्टीपल इनवर्स निकालना, ठीक है, ये क्वेश्चंस, या सॉल्व करना, जैसे मान लीजिए 3 × 7 + 7 i + i × 7 + 7 i, ऐसे फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कन्वर्ट करना, या आपने क्यूब करना या स्क्वेयर करना, 1/3 + 3 i का होल क्यूब करना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास,
या मॉडुलस निकालना आपको फंक्शंस का, ठीक है, और आपको दे देगा 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, जिसके अंदर आपको पहले मल्टीपल इन्वर्स करना पड़ा, फिर उसको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके आपने उसका मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास इसके अंदर, आपके पास अगर हम बात करें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे मान लीजिए 1 प्लस 3 आइटा को, और इक्वेशंस को सॉल्व करना, x² + 2 = 0, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। ये आपके पास को इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 6 चैप्टर में से आपके पास जो मेनली अगर हम बात करें 6.1, 6.2 और 6.3 एक्सरसाइज आपके पास, ठीक है, इनमें से अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, ज्यादा मार्क्स का आता है, तो 6.3 के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 6.1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, वो भी मेनली 1 to 20 तक के क्वेश्चन के अंदर, जहां आपको वैल्यू निकालने के लिए कही जाती है एक्स की। और जो 21 to 25 तक है, 26 तक है, वो सारे क्वेश्चन आपके पास बड़े ज्यादा अधिक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए रहते हैं। एंड 7 चैप्टर आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है, इनमें क्वेश्चन आपके पास ज्यादातर मतलब कि छोटे ही बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंपल परमुटेशन या कम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या रहता है, ऐसा कोई भी एक शब्द मान ली दे दिया जाए आपको, एग्जामिनेशन एक शब्द दे दिया गया, ठीक है, या मान लीजिए आपको कोई और अगर हम बात करें डिसिप्लिन शब्द दे दिया गया, ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द दे दिया जाए और उसमें किसी की उनको अरेंज करने के बारे में कहा जाए, मीन्स इस प्रकार से अगर हम बात करें, ठीक है, उनके अरेंजमेंट के बारे में कहा जाए आपको, मीन्स परमुटेशन में से ज्यादातर रहते हैं क्वेश्चन आने के, और जिनमें भी डिजिट रिपीट, अक्षर रिपीट हो रहे हो, लेटर्स रिपीट हो रहे हो, वो ज्यादा हो जाते हैं आपके पास, ठीक है। और 8th चैप्टर की बात करते हैं हम इसके बाद, ठीक है, 8th चैप्टर क्योंकि सेशन के लिए आपका डिलीट है, ठीक है, और लेकिन इसके अंदर से आपके पास रहता क्या है इंपॉर्टेंट, की अगर हम बात करें मिडिल टर्म को फाइंड करना, दूसरा जनरल टर्म को फाइंड करना, जनरल टर्म का सोल्यूशन पता कर लेना आपने, ठीक है, ठीक है, जनरल टर्म्स के बारे में बात करना, और इसके अंदर से आपके पास कोई भी कोफिशियंट्स को फाइंड करना, कोफिशियंट मतलब आपको टर्म दे दी गई एक्स स्क्वायर का, कैसे कह दें इस टाइप का आपको करना, ठीक है, या आपको एक इक्वेशन देकर मान लें उसकी वैल्यू दे दी जाए एक्स प्लस ए की पावर एन, तो यहाँ एक्स ए और एन इन सभी की वैल्यूज को निकालने के लिए कहना, आपको कोई ना कोई सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसी कोई टर्म गिवन में कर देगा ये, ठीक है। इसके लिए हमारे 8 चैप्टर के बारे में हो चुकी है, आगे हम अगले चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना होगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें उसे, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सारी जानकारी मिलती रहे। और आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप करना चाहते हैं मीन्स आपको मेरी YouTube चैनल के ऊपर चले जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपके पास 11th क्लास का अलग सेक्शन बना हुआ है, 11th क्लास मैथ के नाम से अलग सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 1 से लेकर 16 तक सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिलेंगी, और लास्ट में आपको 17th जो प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, और एक 18th प्लेलिस्ट होगी, जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर के 1 से लेकर 16 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ब्लैंक्स को, ठीक है, ट्रू फॉल्स को सॉल्व किया हुआ है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और 18th एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, जितने भी पुराने पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर्स अगर हम बात करें, ठीक है, वो सारे के सारे मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। अगर आप इन 2 प्लेलिस्ट को वॉच कर लेते हैं, ठीक है, पूरी तरह वॉच कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलें कि इस सेशन के लिए 2021-22 के सेशन जो आपका 40x40 एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, MC40 ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स के रूप में, उसमें आप 40x40 मार्क्स ही 100% ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास 9 चैप्टर के अंदर, इनके अंदर कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स के लिए। इसमें आपके पास कोई भी आपको एपी दे दी गई है, चैप्टर 9th की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको एपी दे दी गई 25, 22, 19 -, आपको एन टर्म्स का जो सम दिया गया है, आपको एन पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया जाए, ये आपको सम दे दिया जा सकता है, आपको nth टर्म गिवन हो सकती है, ठीक है, गिवन हो सकती है आपके पास, और आपको n पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। या जीपी के अंदर से आपके पास 777, 777, ठीक है, इसके सम करना आपको n टर्म्स का, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई भी रकम चेंज होकर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और कुछ आपके लिए सम ऑफ n टर्म्स दे दिया जाए आपको, ठीक है, मान लीजिए 3n² + 5n इस रूप के अंदर, फिर वही चीजें आपको कोई ना कोई साथ में रिलेशन और देगा,
लेकिन पूछेगा क्या एंड आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा आपसे, ठीक है, इस टाइप के। या कुछ आपके पास एपी और जीपी के एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके अंदर कहा गया है इसकी एन एथ टर्म एम है, एम एथ टर्म इसकी एन है, ठीक है, तो इसकी पी एथ टर्म बताओ क्या होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर टेंथ की हम बात करते हैं, चैप्टर टेंथ में आपके पास क्या दे रहा है ये, ठीक है, चैप्टर टेंथ में देखेंगे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के अंदर आपके पास क्या है, एंगल निकालना, एंगल बिटवीन द लाइंस, टू लाइंस, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, मॉडुलस एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, आप स्लोप पता कर लेंगे लाइन से, ठीक है ना। और आपको कोई भी एक लाइन दी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैं ये देता हूँ एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो आपके पास टू वाई एक्स प्लस टू बन गया, तो वाई आपके पास वन बाय टू एक्स प्लस वन बन गया, तो ये आपकी स्लोप होगी, क्योंकि ये वाई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। या किसी फॉर्म के अंदर आपको कोई भी स्लोप, दूसरा एंगल पता करना, दूसरी चीज आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना, ठीक है, इसमें आपके पास डायरेक्ट मिलेगा, आपको एम और सी गिवन होगा, ठीक है, आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, कुछ भी आपके पास जो भी आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पास। या फिर आपके पास आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपको लाइन की इक्वेशन दे दी है, जैसे मान लो मैं यही मान लेता हूँ एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, आपको कहा गया एक लाइन पता करें जो इसी लाइन के पैरेलल हो, तो आपको पता है ये कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे, सिर्फ कॉन्स्टेंट बदलेगा, या परपेंडिकुलर हो, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और बीच का सिंबल चेंज हो जाता है और सिर्फ कॉन्स्टेंट बदलेगा। और इस सी और के की वैल्यू पता करने के लिए आपको इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट दिया गया होगा, जिससे आप इनके सी और के की वैल्यू को पता करेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। और इलेवेंथ चैप्टर में से आपके पास, ठीक है, मेनली जो रहेंगे एलिप्स के अंदर से, मान लीजिए मैं ये एलिप्स की इक्वेशन देता हूँ, एलिप्स की इक्वेशन में से आपको सेंट्रिक वैल्यू, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, फॉक की, वर्टेक्स, इस टाइप की चीजें पता करना ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसके अंदर एलिप्स है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हम थोड़ी सी बात भी करना चाहें तो आपकी हाइपरबोला की इक्वेशंस भी और सर्कल की इक्वेशंस के लिए, सर्कल में सर्कल की इक्वेशन को पता करना, ठीक है, और हाइपरबोला के अंदर भी यही चीजें आपको ई, फॉकी, वर्टेक्स, इस चीजों के बारे में पता करना, लेकिन जो मैं ज्यादा मानकर चलता हूँ वो आपके लिए एलिप्स के बारे में मानकर चलते हैं। और ट्वेल्थ क्वेश्चन चैप्टर के अंदर आपके पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास जो सेक्शन फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मीन्स एक्सरसाइज अगर हम कहें 12.3 आपकी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए कंपेरिजन डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर। और इसके अंदर भी आपको रेशियो पता करना, ठीक है, आपको दो लाइन के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे एक्स वाई जेड तीनों, इसके भी एक्स वाई जेड तीनों दिए गए होंगे, और बीच में कोई पॉइंट होगा आपके पास, उसमें चाहे वैल्यू दी गई हो, चाहे कोई वाई जेड प्लेन ऐसा कुछ कहा गया हो, तो वो भी चीजें हो सकती हैं आपके पास, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट, हमारा 13 चैप्टर, इसके अंदर हमें क्या करने के लिए कहा गया वो देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपके पास, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन सभी को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पता चले, ठीक है। 13 चैप्टर्स के अंदर आपके पास डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर भी डिफरेंशिएट के अंदर आपके पास क्या है, यू अपॉन बी वाला फंक्शन, कैसा भी आए आपको, मेनली अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यू वाई बी फॉर्म के अंदर आएगा फंक्शन, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना कैसे, जैसे अगर मैं पिछले सालों के कुछ पेपरों की बात करूं तो एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन टेन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है, आपके पास, या 4x प्लस 5 साइन x अपॉन x प्लस 7 कोस x, इनको डिफरेंशिएट करना, u अपॉन b फॉर्म के अंदर होगा, उसको डेरिवेटिव निकालना है इसका, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव आपके पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आता है, ठीक है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल आता है, तो आपको जो y गिवन होगा वो सिंपल गिवन होगा, साइन x मान लीजिए, ठीक है, या कोस x मान लीजिए, इस टाइप का, या सिंपल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस टाइप का। और लिमिट का अगर क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं पिछले पेपरों में से देखूं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 आपके पास दिया गया, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, इसके अंदर लिमिट में हमेशा आपके पास ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें डायरेक्ट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बन रही होगी, तो आपको फैक्टर बनाकर,
ठीक है, यह सब चीज चूट करेंगे वैल्यू आपके पास, मेनली जो भी आपने मेथड सीखा हो उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट की वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे। और 14th चैप्टर में आपके पास, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपके मेनली वन मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपके पास इनमें से जितना भी चैप्टर जाएगा वो वन मार्क्स में आएगा, लेकिन हमारे 2021-22 सेशन के लिए ये चैप्टर हमारा डिलीट है हमारे पोर्शन से, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स बड़े क्वेश्चन तो आते ही नहीं इनके, 2 मार्क्स का ज्यादा क्वेश्चन कभी बार कोई आ सकता है अगर आना भी हुआ, ठीक है, वो किसी भी तरह का आपको एक स्टेटमेंट हो सकती है, फिर उसमें पी और क्यू को अलग करना, ठीक है, और उनको जो जोड़ने वाला शब्द है उसको पूछ जाता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उन सभी चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। 15th चैप्टर, अगर इसमें क्या रहता है, अगर आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन ये चीज आएगी आपके पास, और ये भी मेनली आएगी आपको इंडिविजुअल सीरीज की, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए ज्यादातर आने के चांसेस रहेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में जहां आपको आंकड़े दे जाते हैं 10, 5, 3, 7, 8, 9, 4, 3 समथिंग कुछ भी, ठीक है, ये मैंने कुछ लिखे हैं, तो इनके अंदर मीन डेविएशन निकालना अबाउट मीन या मीडियन आपके पास, ठीक है। और बड़े क्वेश्चनों में क्या रहता है, ज्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशंस रहते हैं आपके पास, ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए ज्यादातर आपके पास रहते हैं, 2 या 3 मार्क्स के लिए। और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन और बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का, ठीक है, इस सेशन के लिए ये आपका सिलेबस से रिलेटेड है इसलिए इनके चांसेस कम रहेंगे आपके पास। 2 अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो इंडिविजुअल सीरीज का नहीं, ज्यादातर आपके पास क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर बनना है, ठीक है, तो 15 चैप्टर में से मेनली मैं मानकर चलता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशंस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपके पास। और 16 चैप्टर आपके पास प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है, इसमें आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए जैसे आपको कहा जाए पिछले चैप्टरों को अगर देखो मेपरों को, 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल दी गई है या मार्बल्स दिए गए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक रेड हो और एक व्हाइट हो, ठीक है, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालना आपके पास, क्योंकि इसके 2 या 3 मार्क्स के लिए आपके पास सैंपल स्पेस बनाना या इवेंट बनाना आ सकता है, ठीक है। और लेकिन मेन ज्यादातर मैं मान के चलता हूँ कि 16.3 एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 2 मार्क्स का ही आए क्यों ना आए, क्योंकि उसके अंदर आपके पास प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में सैंपल स्पेस भी कवर हो गया, इवेंट भी कवर हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालने की बात भी कवर हो गई, ठीक है, इसलिए वहां मैं 16 चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमने क्लास 11th के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके पास 2, 3, 4, 5 मार्क्स के लिए अकॉर्डिंग रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और इनके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।